बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और लेक्चर नंबर 13 है हमारा आईपी एड्रेसिंग डिजाइन। अब आईपी एड्रेसिंग डिजाइन के अंदर हम बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे कि भाई आईपी एड्रेस क्या चीज है, आईपी एड्रेस को कैसे यूज किया जाता है, उसकी सबनेटिंग कैसे की जाती है, वीएलएसएम क्या चीज है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, हम इन चीजों पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि सबनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, वीएलएसएम क्या होता है, सबनेट कैसे बनाते हैं, तो आई बिलीव के सीसीडीए करने का मकसद ही नहीं होता। क्योंकि आपको हमने सीसीडीए के शुरू में ही कहा था कि देर आर सर्टन प्री रिक्विजिट है सीसीडीए की, आपको सर्टन चीजों का नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए। उनमें से सबनेटिंग वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, के आपको सबनेटिंग का पता होना चाहिए प्रायर टू दिस लेक्चर के सबनेटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, वीएलएसएम क्या होती है, वीएलएसएम कैसे की जाती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आई वुड रिकमेंड गो बैक टू द सीसीएनए लेक्चर्स जो कि उर्दू आईटी एकेडमी में है, ICND 1 और ICND 2 में, वहां पे जो सबनेटिंग के लेक्चर्स हैं उनको देखें और फिर कम बैक टू दिस लेक्चर एंड देन कैरी ऑन। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग की डिजाइन की प्लानिंग कैसे की जाती है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केट में क्या हैं जिनको लेके हम आईपी एड्रेसिंग की डिजाइन को मुकम्मल बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आईपी एड्रेसिंग डिजाइन। अब आईपी एड्रेसिंग की डिजाइन करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं आईपी एड्रेसिंग डिजाइन के अंदर। ऐसा नहीं होता कि भी बस आप लोकेशन पे गए और राउटर्स स्विचेस डिवाइसेस के अंदर गए और जो आपका दिल किया आईपी एड्रेसेस दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप प्रॉपर टाइम स्पेंड करते हो, सिट डाउन ऑन अ टेबल एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो, कौन सी साइट को कौन सा एड्रेस जाएगा, कौन सी साइट पे कौन सा एड्रेस जाएगा, किस डिवाइस के अंदर कौन सा एड्रेस जाएगा, क्या हायरार्की क्या होगी आईपी एड्रेसिंग की। तो उसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं उनमें सबसे पहले है हायरार्किकल एंड मॉड्यूलर। आईपी एड्रेसिंग को प्रॉपर डिजाइन करने के लिए उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है हायरार्किकल, हमें उसका स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक बिल्डिंग नंबर 1 है, हम बिल्डिंग नंबर 1 को दे सकते हैं 10.10.10.0, बिल्डिंग नंबर 2 को हम दे सकते हैं 10.10.20.0, इसी तरह बिल्डिंग नंबर 3 को 10.10.30.0, समथिंग लाइक दैट। तो एक हायरार्की चल रही है, यहां पे आप /24 का एड्रेस यूज करोगे। ये है आपका लैन का जो स्विचेस, लेयर 2 स्विचेस के साथ जो सारे क्लाइंट्स जुड़े हैं उन सबको /24 मिलेगा। उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आप इसी पूरे को /16 के साथ एडवर्टाइज करोगे। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बाद जब आप कोर लेयर पे जाओगे तो कोर लेयर में आप 10.0.0.0/8 को एडवर्टाइज करोगे। तो ये एक हायरार्की बन रही है, ये हायरार्की आपको अचीव करनी है अपने एड्रेसिंग डिजाइन में। एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं कंटिगुअस नेटवर्क। हमें अपने नेटवर्क में कंटिगुअस नेटवर्क चाहिए, डिसकंटिगुअस नेटवर्क नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमारी साइट के अंदर एक हमारे पास एक बिल्डिंग है उसमें हमारे एड्रेस चल रहे हैं 10.10.10.0, फिर हमारे पास वहां पे 172.16.0.0, फिर हमारे पास वहां पे 192.168.0। ऐसी एड्रेसिंग प्लानिंग हमें नहीं चाहिए। हमें एक कंटिगुअस नेटवर्क चाहिए कि हमारे पास अगर साइट में 10 का नेटवर्क है तो हम कोशिश करेंगे कि हम 10 की रेंज के अंदर ही अपने सारे सबनेट्स को रखें, 172.192 बाकी जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं उनको हम यूज नहीं करेंगे। स्लाइड को जरा क्लियर कर लें। उसके बाद हमें दूसरा जो उसका बेनिफिट होता है स्केलिंग ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। क्योंकि हायरार्की रहेगी तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम इजीली स्केल कर सकेंगे। और थर्ड नंबर पे समराइज्ड, तो समराइजेशन में हमने अभी थोड़ा सा देख लिया
कि जैसे कि हम बिल्डिंग्स में साइट्स में /24 यूज करेंगे और उसको फिर समराइज करके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में उसको समराइज करेंगे 10.10.0.0/16 और फिर कोर लेयर पे, कोर लेयर का जो क्लाउड है वहां पे हम एडवर्टाइज करेंगे 10.0.0.0/8। यानी कोर को पता है कि कोई भी 10 का नेटवर्क उसको यहीं पे भेजना है। डिस्ट्रीब्यूशन को पता है कि कोई भी 10.10/16 का नेटवर्क उसकी ट्रैफिक को मैंने इस साइड पे भेजना है। और जब वो यहां पहुंचेगा, यहां पे जो भी लेयर 3 स्विच होगा उसको पता होगा कि भाई 10.10.10.0/24 के नेटवर्क वो मेरे इस साइट के अंदर है। तो इस तरह एक आपकी, आपको समराइजेशन के अंदर भी हेल्प होती है कि आप इजीली उनको समराइज कर सकते हो। अब यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि समराइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है। आपको क्या लगता है कि समराइजेशन का सबसे बड़ा फायदा हम अचीव क्या करते हैं समराइजेशन से? समराइजेशन से सबसे पहले तो हमें अचीव होता है ऑब्वियसली स्पेस, रैम के अंदर जो हम स्पेस यूज कर रहे हैं हमारे पास, रादर देन कि मैं, मेरे पास यहां पे अगर 20 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो रादर देन कि मैं वो 20 के 20 डिफरेंट नेटवर्क्स अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर एडवर्टाइज करूं, मैं उन 20 डिफरेंट नेटवर्क्स को एक ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडवर्टाइज कर रहा हूं /16 के अंदर। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर राउटर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर राउटर स्विच जो भी होगा उसकी रैम बचेगी। बट ये सबसे बड़ा फायदा नहीं है समराइजेशन का। समराइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन, कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन। यानी के लेट्स से, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। लेट्स से कि मेरे पास ये एक एरिया है, लेट्स से OSPF मैं यूज कर रहा हूं और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं 10.10.20/24, 10.10.30/24 और 10.10.40/24। मैं इसको एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट दूंगा, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आ गई। मैं यहां पे एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट दूंगा 10.10.0.0/16। अब OSPF में आपको पता है कि लेट से मेरा ये वाला नेटवर्क आउट ऑफ रीच हो जाता है फॉर एनी रीजन, डिवाइस खराब होगी किसी भी रीजन से, ये नेटवर्क आउट ऑफ रीच हो गया, तो OSPF क्या करेगा? OSPF शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा दोबारा इन तीन नेटवर्क्स का। तो इस पूरे रीजन के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन दोबारा होगी। लेकिन क्या नहीं होगा कि यहां इस एरिया के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस 10.10.0.0/16 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एडवर्टाइजमेंट वैसे की वैसी रहेगी, इसको रिकैलकुलेट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली हम CPU पर लोड जो है वो बहुत कम डाल रहे हैं और हम कन्वर्जेंस टाइम जो है डोमेन का वो उसको बहुत ज्यादा अप कर रहे हैं कि अब हमारे पास ये एक ही नेटवर्क डाउन हुआ, ये नेटवर्क तो फिर भी अप है ना हमारे पास। अगर हम दोबारा से ये सारा रिकैलकुलेट करते हैं, यहां भी रिकैलकुलेशन होती है और उसी दौरान कोई ट्रैफिक इस नेटवर्क के पास आना चाहती है तो वो डिलेड हो जाएगी क्योंकि वो सारी रिकैलकुलेशन हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा ये जो 10.10.0.0/16 जो समरी एड्रेस है ये एज इट इज रहता है ताकि जब यहां पे रिकैलकुलेशन हो रही हो तो जो सबनेट्स इफेक्टेड नहीं हुए उन तक ट्रैफिक इजीली पहुंच सके। तो CPU रिसोर्सेज बहुत कम यूज होंगे और कन्वर्जेंस डोमेन जो कन्वर्जेंस है अप टाइम है वो बढ़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका जो बेनिफिट है, इजियर टू इंप्लीमेंट ACL। अगर हम हमारे नेटवर्क में यहां पे होंगे 10 का नेटवर्क है हमारे पास, 172 का नेटवर्क है, 192 के कुछ नेटवर्क्स हैं, तो हमें जो एक्सेस लिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा बनानी पड़ जाएंगी, 10 की अपनी बनानी पड़ जाएंगी, 172 की अपनी बनानी पड़ जाएंगी, 192 के नेटवर्क की अपनी बनानी पड़ जाएंगी, तो अगेन बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी।
हम अगर उसे सिंपल रखें कि, और ऐसा भी अगर हो, फर्ज करो कि यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कि द बेस्ट प्रैक्टिस इज के 10.10.10.0 है, 10.20.0 है, 30.0 है, तो मैं उसकी एक ही ACL बना सकता हूं कि भाई फर्ज करो मैं उसे कहता हूं कि परमिट 10.10.0.0/16 इस पूरे के पूरे को परमिट कर दो, तो मैं एक ही ACL में मैंने अपने सारे नेटवर्क को इंक्लूड कर दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है अगर आपकी एड्रेसिंग प्रॉपरली डिजाइन हुई है, आपने प्रॉपर टाइम स्पेंड किया है, थिंकिंग दी है कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे जाएगा, एक प्रॉपर हायरार्की दी है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको अचीव होंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस आर्किटेक्चर में हम जो हमारे पास मेन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके हेडक्वार्टर्स के अंदर आईपी एड्रेसिंग की डिजाइन डिफरेंट होगी, उसके वैन के जो लिंक्स हैं वहां पे आईपी एड्रेसिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें चाहिए, रिमोट साइट्स, लेट्स से कंपनी की 100 ब्रांचेस हैं, 100 रिमोट साइट्स हैं, हर साइट के अंदर उसका आईपी एड्रेसिंग का आर्किटेक्चर क्या होगा, सर्वर्स की आईपी एड्रेसिंग उसकी कैसे होगी, डीएमजी के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, रीजनल साइट्स के अंदर आईपी एड्रेसिंग का आर्किटेक्चर क्या होगा, सिक्योरिटी की जो डिवाइसेस हैं उनको कौन कौन से आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, और वॉइस और वायरलेस के जो डिवाइसेस हम अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे हैं, गेस्ट वीलैन, गेस्ट वाईफाई यूज कर रहे हैं, हम इंटरनल वाईफाई यूज कर रहे हैं, उनकी आईपी एड्रेसिंग कैसी रहेगी, तो ये सारी की सारी आईपी एड्रेसिंग पे हम बैठ के डिस्कशन करते हैं कि भाई हर एक जो हमारी लोकेशन है, जो हमारा कंपोनेंट है नेटवर्क के अंदर, उनकी आईपी एड्रेसिंग कैसे रहेगी, कैसी हायरार्की हम उसमें डिजाइन करेंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअल प्लानिंग इटसेल्फ, कि हम जो प्लानिंग करते हैं वो कैसे होती है, तो उसके हम स्टेप्स को देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर कि एक पूरा आईपी एड्रेस प्लान कैसे किया जाता है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं एड्रेसिंग स्टैंडर्ड्स को। अब एड्रेसिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अभी आईपी एड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, वो स्टैंडर्ड्स नहीं जो आरएफसी के अंदर है, कि भी हम कोई आरएफसी नहीं बना रहे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि भी क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर आईपी एड्रेस असाइनमेंट विद इन ईच सबनेट रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं वीलैन 171 को, तो मैं उसके ये जो लास्ट टू डिजिट्स हैं उसका थर्ड ऑक्टेट बना दूंगा, या उसके आईपी एड्रेस के थर्ड ऑक्टेट जो है उसके अंदर मैं 100 ऐड करूंगा और वही उसकी वीलैन का नंबर रख दूंगा। तो ये आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जहां भी आपने, आपके पास अगर लेट्स से आईपी एड्रेस है 10.10.80.0/24, तो इसके लिए जो मैं वीलैन यूज करूंगा वो यूज करूंगा उसका थर्ड ऑक्टेट प्लस 100, तो वो हो जाएगी 180। तो वीलैन 180 का जो एड्रेस होगा वो होगा 10.10.80.0। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, तो आपको आईपी एड्रेस देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी वीलैन से बिलोंग कर रहा है। इजी होगी ना चीज। फिर मैं एक और रखता हूं कि स्टैंडर्ड में कि गेटवे जो होगा मेरी आईपी एड्रेस का, वो इस आईपी, इस पूरी रेंज का जो फर्स्ट अवेलेबल आईपी एड्रेस होगा वो मेरे वीलैन 180 का गेटवे होगा, या यहां पे मैंने एग्जांपल दी 71 वीलैन 171, क्योंकि हमने 100 जमा किया 71 में, तो वो 171 उसकी वीलैन होगी। तो इस रेंज का जो पहला अवेलेबल एड्रेस होगा वो क्या होगा, ये तो हो गया नेटवर्क एड्रेस, तो इसका पहला अवेलेबल आईपी एड्रेस होगा 10.10.71.1, ये इसका गेटवे होगा। यानी हर एक वीलैन का गेटवे पहला अवेलेबल आईपी एड्रेस होगा, ये स्टैंडर्ड बन गया। तो अब आप किसी भी साइट के अंदर हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई इसका गेटवे क्या है, आपको पता है कि भाई कोई भी वीलैन का, कोई भी सबनेट का जो पहला अवेलेबल आईपी एड्रेस है वो उसका गेटवे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और दे देते हैं कि भाई
पहला तो हो गया गेटवे का, दूसरा और तीसरा मैं असाइन कर दूंगा राउटर्स को, तो वैन लिंक्स को। तो लेट्स से कि मेरे पास ये दो राउटर्स हैं, तो मैं यहां इसको डॉट टू दे दूंगा, इसको डॉट थ्री दे दूंगा। तो गेटवे के बाद मेरे पास जो अगले, मैं डॉट टू और डॉट थ्री जो है वो राउटर्स को असाइन कर देता हूं। उसके बाद मैं कहता हूं कि हमारे पास जो बाकी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उनको मैं उनके लिए हर साइट के अंदर डॉट बिटवीन डॉट फोर टू डॉट टेन ये आईपी उनके लिए रिजर्व कर देता हूं। कि कोई भी प्रिंटर है, मैं अगर इवन मैंने अगर प्रिंटर को भी डीएचसीपी के थ्रू चाहिए कि मैं डीएचसीपी के थ्रू प्रिंटर को एड्रेस दे रहा हूं, तो मैं डीएचसीपी के जो रेंज बनाऊंगा वो बनाऊंगा डॉट फोर से लेकर डॉट टेन तक, ताकि प्रिंटर और जो बाकी डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो इसी रेंज के अंदर से एड्रेस लें। और अगर मैं मैन्युअली असाइन कर रहा हूं तब भी मुझे पता है कि मैंने उसको डॉट फोर से लेकर डॉट टेन तक जो आईपी एड्रेस जो भी अवेलेबल है वो ही मैंने असाइन करना है। तो ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा, नो मैटर कौन सा सबनेट है, नो मैटर कौन सी वीलैन है, नो मैटर कौन सी साइट है, कौन सी लोकेशन है, आपकी जो स्कीम रहेगी वो यही रहेगी। और फिर जो बाकी बच जाएंगे फ्रॉम 11.11 टू .254 वो मैं कहता हूं कि भाई बाकी क्लाइंट्स के लिए डीएचसीपी को बोलता हूं कि क्लाइंट्स को ये असाइन करते रहते। तो ये एक हमने एक स्टैंडर्ड्स बना लिए अपनी एड्रेसिंग स्कीम के लिए। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन स्टैंडर्ड्स को कहीं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, ताकि सबको पता हो कि आपने स्टैंडर्ड जो बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, इजीली रीडेबल हो वो। उसके बाद स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद जो स्टेप टू हम करेंगे, प्लान रेंज, यानी कि हम रेंजेस को प्लान करेंगे कि हमने अपने नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी रेंज यूज करनी है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके वो तकरीब 8, 10, 20 अगर आपके ऑफिसेस हैं, तो आप क्लास सी का जो प्राइवेट एड्रेस है वो ही अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हो, 192.168.0.0/24, उसी की आप सबनेट करके उसको यूज कर सकते हो। लेकिन एक एंटरप्राइज के अंदर जहां पे आपके 100, 150, 200, 300, 1000 ऑफ साइट्स हैं आपके पास, तो वहां पे आप 192 की बजाय प्रेफर करोगे कि मैम आप क्लास ए का जो प्राइवेट नेटवर्क है वो यूज करो 10.0.0.0/8 को, और फिर उसको सबनेट करो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आपके पास आईपी एड्रेसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए एंटरप्राइज लेवल पे आप 10.0.0.0 के नेटवर्क को यूज करोगे रादर देन क्लास सी का प्राइवेट एड्रेस उसको यूज करने के बजाय। अब एक और रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही नेटवर्क के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करें। सो लेट्स से अगर आप 10.0.0.0 को यूज कर रहे हैं, तो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इसी को सबनेट करके यूज करें, रादर देन कि आप यूज करें कि भी मेरे पास कुछ साइटें जो है वो 10.0.0.0 पर हैं /24 या /16 कुछ भी आपने जो भी सबनेटिंग की है, कुछ साइटें मेरे पास जो है वो 192.168 इस पे हैं, कुछ जो है वो 172.16 इस पे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही रेंज के अंदर रहकर अपनी एड्रेसिंग को रखें कि मेरी सारी की सारी जो रेंज है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो 10.0.0.0 के अंदर ही है, क्योंकि उसमें हायरार्की बहुत इजी हो जाएगी। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम कोर के अंदर एडवर्टाइज कर सकते हैं 10.0.0.0/8 को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम समराइज उसको कर सकते हैं /16 को, और फिर जो हमारे पास एक्सेस लेयर रहेगी उसमें /24 हम 10 की रेंज को रखेंगे। तो समराइजेशन बहुत इजी रहती है, हायरार्की बहुत इजी रहती है अगर आप एक ही नेटवर्क को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3, एलोकेटिंग आईपी एड्रेसेस।
अब एलोकेशन में हमें ये पता है कि भाई पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमें इतने ज्यादा नहीं चाहिए जितने प्राइवेट चाहिए, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं अंदर, जितने भी पीसीज हैं, जितने भी आपके प्रिंटर्स हैं, जो डिफरेंट और नेटवर्क डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उन सबको प्राइवेट आईपी एड्रेस आप एलोकेट कर रहे हो। आपको पब्लिक आईपी एड्रेस इतने ज्यादा नहीं चाहिए जितने आपको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस की जो प्रेफरेंस है वो ये है कि आप /30 का सबनेट यूज करें। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक, मेरे पास ये राउटर है, वैन का कनेक्शन है, ये मेरे पास लोकेशन है लेट्स से कराची, और ये एक मेरे पास लोकेशन है लाहौर की। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूं, मैं यहाँ पे यूज करता हूं भी 10.10.10.0/30, और यहाँ पे भी वही सेम सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 10.10.10.1, तो यहाँ पे 10.10.10.2, इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा क्विकली। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज होने वाला सबनेट है जो वैन लिंक के ऊपर यूज होता है, /30 का सबनेट, क्योंकि इसमें दो ही यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं, टोटल चार होते हैं। पहला जो है वो नेटवर्क एड्रेस, आखिरी जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, बीच में दो बच जाते हैं .1 .2, जो कि यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं। तो आप जो आईपी एड्रेसेस लॉस वो कोई नहीं होगा, बिकॉज आपके दो दो ही यूजेबल आईपी एड्रेस हैं, वो दोनों आप यूज कर रहे हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि वैन लिंक के अंदर आप /30 को यूज करें। उसके बाद कुछ सबनेट्स को आप फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए भी छोड़ना है, कि लेट्स से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर वॉइस नहीं है, वीडियो सर्वेलेंस अभी नहीं है, बट हो सकता है इन फ्यूचर अगले 3-4 साल में वो वॉइस इंप्लीमेंट करे ऑर्गेनाइजेशन, या वीडियो सर्वेलेंस, सीसीटीवी, नेटवर्क आईपी कैमरास, वो सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अलहदा से एक बाद में 4 साल में, 4 साल के बाद एक अलहदा से रेंज इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। आपको वो पहले से ही उस पर थिंकिंग देनी चाहिए कि फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स हमारे पास कुछ सबनेट जो है वो रिजर्व होने चाहिए। फिर डीएमजी को एड्रेस एलोकेट करने हैं, रिमोट एक्सेस जितनी भी हमारी साइट्स हैं उन सबको हमने सबनेट्स एलोकेट करने हैं। फिर उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, नैक डिवाइसेस, कैश कंटेंट, ये सारी की सारी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन सब पे थिंकिंग करनी है कि किसको कौन सा एड्रेस मिलना चाहिए, कौन सी डिवाइस कौन सी साइट में है। तो अगर एक डिवाइस आपकी इस साइट के अंदर है जिसको आपने 10.10.10 दिया हुआ है, तो आप कोशिश करो कि उन डिवाइसेस सबके अंदर आप इसी को सबनेट करो, रादर देन के एक डिफरेंट रेंज उसमें एक इंट्रोड्यूस कराएं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हर साइट का एक अपना लूपबैक एड्रेस होना चाहिए। आप लूपबैक एड्रेस को ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर एडवर्टाइज करो, और लूपबैक एड्रेस को ही आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी दो। तो लूपबैक एड्रेस ऐसे होता है कि लेट से मैं कहता हूं कि भाई कराची के लिए, क्योंकि ये वैन कनेक्शन है तो प्रेफरेबली ये एमपीएलएस से अटैच है, तो कराची ऐसे होगा कि लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस स्लाइड फर्स्ट ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिले। तो एक्चुअल में ये कनेक्शन ऐसे होगा, थोड़ा सा एमपीएलएस पे भी बात करनी है ना, हमने पिछले एक पूरा एमपीएलएस आपको पढ़ाया है, तो थोड़ा एमपीएलएस को भी बीच में लेके आए ना। तो लेट्स से कि भी हमारे पास ये कराची की साइट है, ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर का एमपीएलएस क्लाउड है, यहाँ पे पीई है, और फिर यहाँ पे भी जो पीई है वो आपको कनेक्ट कर रहा है लाहौर से, ये पीई है एमपीएलएस का। अब डोंट आस्क मी यहाँ पे कि पीई क्या है, पीई का नहीं पता, तो आई वुड रिकमेंड गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर जो एमपीएलएस के ऊपर है, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो यहां पे मैं एड्रेस दे रहा हूं जी 10.10.10.0/30 का, तो .1 यहां पे और .2 यहां पे, और यहां लाहौर में
मैं कहता हूँ जी 10.10.20.0/30.1 इसको दे दिया, .2 इसको दे दिया। अब क्योंकि मैं अपनी साइट्स के अंदर, अपनी साइट को डिफरेंट साइट के अंदर कनेक्ट भी कराना चाहता हूं, और अपनी साइट मैं ये भी चाह रहा हूं कि जो मेरी साइट के अंदर यूजर बैठे हुए हैं वो इंटरनेट भी ब्राउज करें, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये दो काम करता है, एक तो मुझे ये इंटरनेट की तरफ लेके जाता है और दूसरा ये मेरी मुझे डिफरेंट अपनी साइट से कनेक्ट भी कराता है, कराची हो गया या फैसलाबाद हो गया, डिफरेंट जो भी मेरी साइट्स हैं उन पे मुझे ये कनेक्ट भी करा रहा है। तो मैं बजाय इसके कि अपने इस राउटर के लिंक को एडवर्टाइज करूं अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि मुझे इंटरनेट पे भी जाना है, मैं अपने इस राउटर को अपने एक लूपबैक एड्रेस दूंगा। सो लेट्स से मैं कोई भी लूपबैक एड्रेस देता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि जी 100.1.1.1/32, यानी कि इसका सबनेट मास्क जो होगा वो होगा 255.255.255.255, क्योंकि मैंने एड्रेस एड्रेस को मैंने मुझे कोई नेटवर्क की रेंज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक आईपी एड्रेस चाहिए, उसमें मुझे कोई नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ इस एक आईपी एड्रेस को एडवर्टाइज करना है ताकि मेरा ये आईपी एड्रेस यूनिक होगा मेरी सारी लोकेशंस के अंदर। तो मैं 100.1.1.1 अपने कराची को दे देता हूँ, 100.1.1.2 जो है वो मैं इसको दे देता हूँ लाहौर को, 100.1.1.3 मैं इसको दे देता हूँ, 1.4 मैं इसको दे देता हूँ। तो मैं इनको यूज करके मैं इंटरनेट पे भी जा सकता हूँ और अपनी बाकी साइट्स में, क्योंकि मैंने वो अपने राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करके BGP या जो भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं मैंने एडवर्टाइज किए होंगे यहाँ पे, तो मैं एक दूसरी साइट से कनेक्टिविटी भी ले सकता हूं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है लूप बैक एड्रेस। इट्स वेरी वेरी गुड थिंग के आप लूप बैक एड्रेस को एडवर्टाइज करें अपनी हर डिवाइस के अंदर, उसको बनाएं और उसको एडवर्टाइज करें राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। स्टेप 4, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ इस तरह की रहेगी कि आप कहोगे कि भाई लोकेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई मेरे पास कराची है, VLAN है 171 और सबनेट उसका हमने क्या बताया था, अगर VLAN 171 है तो ये जो आखिरी डिजिट्स का जो होगा वो सबनेट रहेगा 10.10.71.0/24। इसको डिपार्टमेंट बता देता हूँ कि मेरे पास HR डिपार्टमेंट का है। इसका समरी एड्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जा रहा है वो होगा 10.10.0.0/16। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि भाई लाहौर के लिए उसके अंदर मैं VLAN यूज कर रहा हूँ 181, सबनेट रहेगा 10.10.81.0/24। ये मेरी सेल्स की है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा समरी एड्रेस सेम रहेगा, और इसी तरह से आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करोगे। जितनी अच्छी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना ही अच्छा इन फ्यूचर आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे, उसको आपको ज्यादा उसमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग, क्योंकि ट्रबल शूटिंग जब होती है तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि व्हाट आर यू इवन ट्रबल शूटिंग, आप ट्रबल शूटिंग कर क्या रहे हो, कौन से सबनेट को कर रहे हो, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। तो जितनी अच्छी और प्रिसाइज आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना ही बेहतर आप, उतना ही जल्दी आप प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर सकेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन ये मैंने कुछ बनाया कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, कि जैसे कि हेडक्वार्टर्स है उसके लिए VLAN है 100, तो 10.10.0.0 हेडक्वार्टर वाइड डेटा, और उसका समरी एड्रेस है /19 का, सबके लिए ये समरी एड्रेस /19 ही रहेगा। फिर हेडक्वार्टर्स के अंदर VLAN 102, तो आखिरी जो मैंने लिया आखिरी VLAN का जो डिजिट था वो मैंने इसका थर्ड ऑक्टेट बना दिया 10.10.2.0, VLAN 104 के लिए 10.10.4.0, 106 के लिए 10.10.6.0, 116 के लिए 10.10.16.0, तो मैंने ये ले लिए 10.10.20.0, तो इसी तरह 124 to 31 ये सारा इसी तरह ही चलता रहेगा। इंटरनेट के लिए
तो मैंने ये डिफरेंट बना लिए, वाइड डेटा वाइड वॉइस, वाइड डेटा वाइड वॉइस, मैंने दो दो सबनेट दिए, यानी कि हेडक्वार्टर डेटा को दो दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, वॉइस को भी दो दिए, फिर वायरलेस डेटा और वायरलेस वॉइस, और फिर इंटरनेट एज, हेडक्वार्टर वैन को मैंने कौन से सबनेट देने हैं, सर्वर फॉर्म के अंदर मैंने कौन से सबनेट्स रखे हैं, और फिर इसी तरह ये मेरी हेडक्वार्टर्स की आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हुई। और फिर रिमोट साइट्स के अंदर भी मैंने जहाँ जहाँ वीलैन देनी थी उनको दिए, जहाँ पे कोई वीलैन नहीं थी उनको मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा, और फिर उनको सबनेट्स मैंने जो भी उनके बनते थे वो मैंने एलोकेट किए और उसका समरी एड्रेस मैंने दे दिया। तो इस तरह से आप पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन करोगे अपने आईपी एड्रेसिंग के लिए। ये एक छोटा सा डिजाइन, उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हम आईपी एड्रेसिंग को स्पेशली समराइजेशन को कैसे एडवर्टाइज करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये हेडक्वार्टर है, ये हमारा सर्वर रूम है और एक्सेस लेयर है, और ये रिमोट साइट्स हैं। अब हेडक्वार्टर्स के अंदर डाटा सबनेट है 10.10.0.0, वॉइस सबनेट है 10.10.2.0, और वायरलेस डेटा सबनेट है 10.10.16.0। इसको हमने एडवर्टाइज किया एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट से 10.10.0.0/19, ये हमने एडवर्टाइजमेंट की अपने जो भी हमारे इंटरकनेक्टेड रीजन्स में, एक समरी एड्रेस हमने एडवर्टाइज कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो सर्वर रूम था वहां पे जो हम सबनेट यूज कर रहे हैं वो है 10.10.48.0 और 10.10.49.0। जो एक्सेस लेयर एक्सेस के अंदर हम जो भी ये जो कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे ये डेटा वॉइस वायरलेस जो भी उनके पर्टिकुलर सबनेट, यानी कि ये जो वॉइस टेलीफोन्स हैं वो ये वॉइस के सबनेट से आईपी एड्रेस लेंगे डीएचसीपी के थ्रू। जो एक्सेस पॉइंट्स है वो ये एक्सेस वायरलेस डेटा सबनेट से अपने आईपी एड्रेसेस लेगा, और इसी तरह से डेटा वाले जो डिफरेंट क्लाइंट्स अटैच हैं वो यहाँ से अपने आईपी एड्रेस लेगा 10.10.0.0 से। रिमोट साइट्स जो हैं वहां पे हमारे पास डेटा सबनेट में 10.11.4.0, वॉइस सबनेट में 10.11.6.0 और वायरलेस सबनेट्स में 10.11.2.0/24, और इसको फिर हम एडवर्टाइज करेंगे एज अ सिंगल एडवर्टाइजमेंट 10.11.0.0/21, और ताकि इस पूरी डोमेन को पता है कि 10.11.0.0 वो इस तरफ है, तो यहां पे अगर कोई भी नेटवर्क .4 या .6 लेट्स से डाउन जाता है तो इस पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो अपने आप को जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो उसको रीकैलकुलेट करेगा। लेट्स से अगर OSPF है तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट उसको पूरा रीकैलकुलेट करेगा, और इस जो समरी एड्रेस हमने यहाँ पे एडवर्टाइज किया हुआ है उसको बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कन्वर्जेंस हमारी सेम ही रहेगी, ये पूरी की पूरी डोमेन हमारा अप ही रहेगा, इसका डाउन टाइम नहीं आएगा। तो दैट्स इट, ये थी हमारी आईपी एड्रेस की डिजाइनिंग। हमने आईपी एड्रेस डिजाइनिंग के बेनिफिट्स को देखा और देखा कि आईपी एड्रेस डिजाइनिंग के अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं, हम बैठ के डिस्कस क्या करते हैं, डिजाइन करते क्या हैं, कैसे करते हैं, व्हाट्स द रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री में यूज होती है, इन सब पॉइंट्स पर हमने आज बात की। तो थैंक यू वेरी मच, कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर या मुझे ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।